बस अभी सही में बहुत बोरिंग डे है यार। क्या पता क्या बात करूँ मैं, समझ नहीं आता। बट व्हाट अ बोरिंग डे, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और हमने एक नई न्यूज़ आई है कि पबजी वापस आ रहा है। सो भैया पबजी के ऊपर एक पूरी बीट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो यार ये एक कहानी है मेरी, ठीक है, लॉकडाउन की कहानी है, तो फिर से सुना रहा हूँ। तो सुबह हो गई है, तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले खोलेंगे हम खिड़की, ठीक है। मेरे दिन की सुबह खिड़की खोल के ही होती है। तो आओ चलो दिन की शुरुआत करते हैं और दिन का रूटीन देखेंगे आज। अगर सो के उठ गए हो तो बिस्तर ही फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी काम है। फोन दे मेरा। और इनसे हम दिन भर ही फोन मांगते रहते हैं, क्योंकि इनका एक काम है, हमारा फोन ले जाते हैं और गेम खेलते हैं, बस और कुछ काम नहीं है इनका। दिनचर्या में ब्रश करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना दांत में ना कीड़े खा जाएंगे, समझ रहे हो तुम? तो जल्दी ब्रश करो फिर चलो। मुंह धुलने का स्टाइल देख रहे हो अपन का? या स्टाइल में चलते लौंडे हम, ठीक है, समझ रहे हो? से कर लेते सारा काम और मुंह पोछते और सारा काम करते ख़त्म करते हैं सारा फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, फास्ट फॉरवर्ड ज़रूरी है वीडियो में भी, ठीक है, चलो फिर। सो गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम अगेन टू न्यू ब्लॉग। और आज का दिन बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि आज सैटरडे है और गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी बहुत तगड़ी वाली। गुड मॉर्निंग का समय हो रहा होगा 9 या 10:30 बजे होंगे या धूप ही, क्योंकि हम लेट ही उठते हैं वैसे भी। तो हमारा दिन सुबह उठने का डेली रूटीन यही है कि उठते हैं, सबसे पहले सुबह उठ के चाय पीते हैं, सारा काम करने के बाद हम अभी हमें जा रहे हैं दूध लेने, सबसे पहला काम है हमारा। सो मैंने तुमने लैब कंप्यूटर देख लिया होगा, लेकिन इसके बारे में आपको बात करेंगे आज, ठीक है। तो मैंने क्यों लिया है, कब लिया है, किस लिए लिया है, ठीक है, तो बात करते हैं बाद में। बाकी अभी मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बाकी अभी कुछ करना नहीं है, खास बात तो कुछ है नहीं की। और इतने दिनों से यार मेरा मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं कंप्यूटर के चक्कर में ही, बताऊँगा तुमको सारा आगे। और तो हाँ जी भैया, तो तुमने चेक कर लिए होंगे टाइम लैप्स कैसे लगे, और बताना कमेंट करके, और वीडियो देख रहे हो तो ठीक है। तो अभी मैं पीसी में ज़रा अपना जो डाटा फालतू आया था वो डिलीट कर रहा था, और क्योंकि इसमें मैंने कल विंडो अपलोड करी थी, क्योंकि मैं 2-4 दिन से बहुत परेशान था, क्योंकि विंडो 8.1 थी, तो इसलिए अभी डिलीट कर रहा था मैं। और जस्ट क्योंकि क्या बोलते हैं, इसमें विंडोज 8.1 थी, तो मैं उसमें से विंडोज 10 डाली, क्योंकि 2-4 दिन से मैं इतना परेशान था ना, क्योंकि मैंने इसे भी तुमको बताऊँ सर, एडिटिंग वगैरह नहीं करनी थी, बट ऐसे ही मेरे को थोड़ा चाहिए था काम के लिए, बाकी एडिटिंग के लिए नहीं लिया ये, क्योंकि अभी ऐसे ही काम चलाने के लिए लिया। और अभी चल रहा है, तो जब से चल रहा है तब तक ज़्यादा काम से हो नहीं पा रहा है आजकल, तो इसे मैं फिर से वापस सेल कर दूँगा, क्योंकि अब मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो गए चलाते चलाते। तो इसे मैंने विंडो स्टैंड डाली है, और क्या बोलते हैं सारा डाटा डिलीट करा है, और फिर डाटा इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि इसकी जो स्टोरेज है 1 TB है, 1 TB स्टोरेज है इसकी, और 4 GB रैम है। रैम भी अगर बढ़वानी पड़ेगी, क्योंकि रैम 4 GB रैम बहुत कम पड़ती है, 8 GB रैम होनी चाहिए कंप्यूटर में, ये नॉर्मली है, मतलब ये ज़्यादा अगर आप गेम खेलने के लिए बोले तो गेमिंग के लिए इतना भी ठीक नहीं है, गेम के लिए कि आपको उसमें 4 GB रैम एक्स्ट्रा पड़े, क्योंकि ये HP का पेंटियम प्रोसेसर प्राइस में 1.60 GHz ऐसे कुछ GHz का प्रोसेसर है, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, ख़राब नहीं है, बट नॉर्मल काम के लिए ठीक है, लेकिन 4 GB रैम इसमें डलवानी और एक्स्ट्रा डलवानी पड़ेगी, तब जाके और ज़्यादा लाइन पे आएगा, बाकी तो सब ठीक है। क्योंकि से कुछ ना बताया जाता नहीं शायद मैं और ज़्यादा अलग वे में ले जाऊँ, क्योंकि जो मैं कभी कभी कॉन्टेंट इस लाइन में अलग डाल देता हूँ ना, तो फिर वो अलग हो जाता है, तो इसलिए मैं चाहता नहीं, बट ऐसा ही करके डालना पड़ता है कुछ कॉन्टेंट, क्या करें जनाब। कहानी कुछ ऐसी है अभी, अभी हो रहा है हमारे मौसम बहुत सही वाला, मतलब मौसम पीछे देख रो बहुत क्लाउडी सा हो रहा है, ये देखो क्लाउड सा मौसम हो रहा है, मतलब प्यारा जस्ट। और अभी मैं जस्ट सो के उठाऊँ, और दिन में कुछ नहीं करा ऐसे ही, उसके बाद मैं गया था सोने के बाद उठा, और फिर मम्मी को लेने गया, मम्मी को लेके आया, उसके बाद मैं बता तो रहा हूँ लॉकडाउन में ना, मतलब फिर से जो ये लॉकडाउन हो गया ना, फिर से ज़िंदगी जैसी थी वैसे ही हो गई, मतलब अच्छी खासी लाइन पे आई थी, फिर उसके बाद फिर ख़राब सी हो गई। कुछ लाइव मतलब ब्लॉग में दिखाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए बोलते सबसे दिन सबसे बोरिंग ब्लॉग ये वाला है मेरा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, तब ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब क्या करोगे, कल पीसी चलाने कंप्यूटर चलाने का मन नहीं करता, लाया तो हूँ बट अभी दुकान खुलेगी इसमें थोड़ा काम करवाना है, और वो करवा नहीं पाएंगे अभी हम, क्योंकि दुकान खुली नहीं है, ठीक है। तो रही बात क्या बात रही पे कौनों बात ना है, बस ये बात बा
कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हम बैठे हैं अभी और क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ऐसी है सब बोरिंग हो रही लाइफ, बहुत ज़्यादा इतनी बोरे तारी क्या बताऊँ तुमको मैं, जस्ट बहुत वाली। अब मेरे को प्रीमियर प्रो चाहिए कैसे, बस अभी सही में बहुत बोरिंग डे है यार, क्या पता क्या बात करूँगा समझ में नहीं आता, बट वाट अ बोरिंग डे, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और हमने एक नई न्यूज़ आई है कि पबजी वापस आ रहा है, सो भैया पबजी के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं, सोच रहा हूँ एक फिल्म बनाई जाए उसके ऊपर, मतलब एक मतलब स्टोरी बनाई, थोड़ा वायरल चल रहा है लोग। एक चीज़ और देखिए मैंने, लोग ना मैंने एक चीज़ बात करने चाहती, मतलब एक बात है कि लोग ना ज़्यादा कोरोना से नहीं डरते, लोग डरते हैं किस चीज़ से कि मतलब बीमार पड़ जाएंगे बहुत चीज़ें हैं, और मतलब इतना डर तो होना चाहिए आदमी से, बस पुलिस वालों का डर है वो बाहर निकल के पुलिस वाले ना कुछ बोले, बस आदमी के अंदर एक वो डर है कोरोना से, इनकी नहीं पर डर लगता कोई बोलते कोरोना है ही नहीं, मैंने बोला भाई कोरोना है ही नहीं तभी तो लोग जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना जा रहे हैं। और एक थोड़ा ना मन आदमी ऐसा बना लेता है ना, जैसे देखो आदमी के अंदर क्या सीन होती है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ये रियलिटी है, अगर आप जैसा सोचेंगे ना वैसा ही आदमी का दिमाग के अंदर वही चलता रहता है और आदमी उसी लाइन की तरफ जाता है। अगर ज़्यादा बोलते हैं ना चिंता चिता के समान होती है, एक बात है ना, मतलब एक अगर आप गीता पढ़ेंगे ना तो गीता के अंदर एक जगह पे आता है चिंता चिता के समान होती है, तो मतलब पुराणों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो सही बात है, अगर आप चिंता करते रहेंगे ना किसी चीज़ के बारे में, सोचते रहेंगे तो पहले तो आप उनकी तरह सोचने लग जाएंगे, और उस अगर उस बंदी की तरह अगर किसी के बारे में सोच रहे हो तो आप उसी की तरह बन जाएंगे। और क्या बोलते हैं, अब ऐसा नहीं कि तुम अम्बानी रहो तो अम्बानी तरह, ऐसा नहीं होता है, मतलब सोच होती है ना कि आदमी की कि कैसी सोच है, सोच से ना आदमी बहुत चीज़ें वो करवाता है, कि मतलब सोचता है ना, अब तुम सोचोगे और वो हो जाए ऐसा मुश्किल है, बट ये मेहनत करनी पड़ती है, सोचने से ना आदमी की।